क्या मैं अंदर आ सकती? मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करूं, लेकिन जब जब बात मेरे कानों तक पहुंची तो मुझसे रहा नहीं गया। ये सोनिया तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया, बहुत बदल गई है। पहले उसने मेरे साथ कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, शायद किसी के बहकावे में आ गई। हो सकता है रोहन ने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया हो। पर वो तो अच्छी तरह जानती है कि रोहन ही उसके भाई का हत्यारा है, फिर उसने उस पर कैसे यकीन कर लिया? पैसा, पैसा अच्छे खासे लोगों की आंखों पे पर्दे डाल देता है। हो सकता है रोहन ने उसे कुछ देने का वादा किया, क्या दे ही दिया हो। अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे ले लेती। मेरे पास केके इंटरनेशनल के शेयर्स के अलावा भी बहुत सारा पैसा है। उसने किया क्यों? इसका मतलब तुम रोहन को ठीक से जानती नहीं। वो बहुत ही चालाक आदमी, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो किसी को भी बस में कर सकता है। उसने अपनी बातों से ही मेरे पापा को भी फुसलाया था। He's a very cunning। सुमन तुम उससे होशियार रहना। इस बार तो उसने सोनिया को तुमसे दूर किया, हो सकता है अगली बार वो तुमसे तुम्हारा और कुछ छीन ले। नहीं मैडम, सुमन मजबूर जरूर है लेकिन बेबस नहीं। मैं उसे उसी की चाल से मारूंगी, तो बस देखती रह। बेस्ट ऑफ लक सुमन, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो तुमसे यही कहने आई थी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सुख में भी और दुख में भी। और जहां तक उस रोहन का सवाल, उसकी खबर भी मैं ले लूंगी। एक हफ्ते में दो दो चोटें पहुंचाई है कम वक्त ने मुझे, देख लूंगी उसे। बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। नहीं मैं उन्हें, नहीं मैं उसके बिना जी नहीं। हमारा बच्चा मर चुका है। हमारा बच्चा नहीं मरा, मर चुका है हमारा बच्चा। नहीं नहीं मरा है, वो जिंदा है, वो मेरे पास है। होश में आओ, वो मेरे पास है, नहीं मरा है। हम उस बच्चे को खो चुके हैं, तुम एक एक्सीडेंट में उसे खो चुकी हो मोना। होश में आओ मोना, होश में आओ मोना। हमारा बच्चा नहीं मरा है, वो मर चुका है। नहीं मरा। अगर तुमने वापस ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे मुंह नोच लूंगी। उसे अगर किसी ने मारने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। जान से मार चुका है। होश में आओ मोना, समझो वो मर चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है मोना। वो मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, हम उसे खो चुके हैं। उसे ले रखो, भगवान तुम्हारी गोद कभी खाली नहीं रखेगा, उसे जरूर भर देगा। उसे ले रखो, मैं तुम्हारा गम समझता हूं। आखिर तुम उसकी मां हो, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। मुझे देखो, मुझे भी बहुत दुख है, पर अगर हम इस दुख की बाढ़ में बह गए तो हमें कोई नहीं निकालेगा। धीरज रखो, पानी पियोगे? कंबक का हाथ बहुत भारी था, बहुत जोर से चाटा मारा। कोई बात नहीं, 100 सोनार की, 1 लोहार की, देखो। क्या? हेलो, 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 सोना तुमसे कैसे कहूं?
कैसे कहूं कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं? आदित्य इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये क्लास में हर लड़कों से आगे रहता है, पर इस टेस्ट के मार्क्स देख के तो मैं बहुत ही निराश हुई हूँ। क्या हुआ मिसेस शर्मा? इस टेस्ट में आदित्य ने काफी लो ग्रेड्स लिए हैं और एक सब्जेक्ट में तो फेल भी हो गया है। क्या? मैं इसीलिए आपसे मिलना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी आखिर ऐसा क्यों हुआ। I'm sorry. मैं इस बात से बेखबर हूँ, आप इसी से पूछ लीजिए ना, यही बता सकेगा। क्यों आदित्य? लगता है इस पर गलत लोगों का असर पड़ने लगा है। तो मिसेस मल्होत्रा, इसके फ्रेंड्स तो सारे नेक बच्चे हैं। नहीं नहीं, मैं इसके दोस्तों की बात नहीं कर रही, बात दरअसल कुछ और है। क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकती हैं? हाँ कहिए। अगर मेरे अलावा कोई और आदित्य से मिलने आता है तो उसे मिलने की इजाजत मत दीजिएगा, और आज से आदित्य की पढ़ाई पर ध्यान मैं खुद दूंगी। नो प्रॉब्लम्स, आप फिकर मत करिए, हम इसे किसी से मिलने नहीं देंगे, पर आप एक रिटन एप्लीकेशन दे दीजिए हमें। थैंक्स फॉर द कंसर्न, अभी जा सकती हूं। ओके, गुड डे। आदित्य ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे बात कर रही हूं आदित्य, अगर उस डायन का साया तुम पर इसी तरह पड़ता रहा तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि तुम अपने क्लास में फेल हो जाओ? अब बड़ी मां पर इल्जाम मत लगाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है, वही तो सारे फसाद की जड़ है। देख लेना, आज के बाद अगर तुमने उससे मिलने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्लास सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? गो टू योर क्लास। आज की इस मीटिंग में पूरा कोरम मौजूद होना चाहिए था, लेकिन केके इंटरनेशनल के चेयरमैन होने के नाते से मैंने ये फैसला किया है कि इस मीटिंग में सिर्फ वही मौजूद होंगे जो इस वक्त हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि इज्जतदार घराने के लोग अपने झगड़े आपस में निपटा लेते हैं, उन्हें सारे बाजार नहीं उछालते। मैं आपका मतलब समझेंगे। मतलब ये कि सोनिया न सिर्फ करण कपूर की बहन है बल्कि हमारी जीएम भी रह चुकी है, अभी कनाडा से वापस आ चुकी है और केके इंटरनेशनल में एक बोर्ड मेंबर की हैसियत से काम करेंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? वैसे होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये इस कंपनी में 10% की पार्टनर भी हैं। इस खामोशी का मतलब यह है कि सोनिया आज से हमारी बोर्ड की एक मेंबर है। इस कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन तो आप जानती हैं, और साथ ही एक बोर्ड मेंबर के पावर भी आप जानती होंगी। जी हाँ, और मैं उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं पिछले 2 सालों की बैलेंस शीट्स देखना चाहती हूँ। Why not? लेकिन वो सारी बैलेंस शीट्स तो ऑडिट हो चुकी, उसमें देखने लायक तो कुछ भी नहीं। ये अपनी तसल्ली के लिए बैलेंस शीट देखना चाहती हैं, तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सोनिया को उन बैलेंस शीट्स को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सुमन, कि आप इस बात के इतने खिलाफ क्यों हैं कि सोनिया बैलेंस शीट देखे? मैं किसी बात के खिलाफ नहीं, मैं तो सिर्फ सोनिया का वक्त बचाना चाहती हूँ। आप मेरे वक्त की चिंता ना करें मिसेस कपूर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे मेरे वक्त का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए। मैं चलती हूँ। बहुत जल्दी में आप? मीटिंग खत्म हो चुकी। मीटिंग अभी खत्म कहाँ हुई है मिसेस कपूर, मीटिंग तो अभी शुरू ही हुई है। अपनों से खाए जख्मों में कितना दर्द होता है, इसका एहसास मैं अब होगा सुना। मेरा नाम चिन चिन चु, चिन चिन चु बब चिन चिन चु, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मोना,
अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ ऑफिस। ऑफिस? मुन्ना तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें घर पे रह के आराम करना चाहिए। अब और आराम नहीं होगा मुझसे। मुन्ना try to understand, अभी तुम्हारा मिसकैरेज हुए सिर्फ एक वीक हुआ है। वरुण प्लीज, तुम मुझे बार बार उस हादसे को याद दिलाकर मेरे जख्मों को क्यों ताजा कर देते हो? मैं उसे भूलना चाहती हूँ और तुम मुझे याद दिला देते हो। I'm sorry, मुन्ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, आराम करो। अब और आराम नहीं होगा मुझसे। तुम मुझे यहाँ नौकरों के हवाले छोड़ जाते हो और मैं अकेली उस हादसे की याद में घिरी रहती हूँ। पता नहीं दिन में कितनी बार मेरी आंखें नम हो जाती है। I know, मुना, तुम्हें हमारे बच्चे से कितना लगाव था, पर सोचो तो सही, जो तकदीर में लिखा था वो तो होना ही था, सो हो गया। पर हमारी तकदीर में ही ऐसा क्यों लिखा था? पता नहीं भगवान मोना की झोली में ही क्यों इतना गम डाल देता है। मोना, ये आखिरी गम था, आज के बाद तुम्हारी झोली में खुशियां ही खुशियां होंगी। सच में? हाँ मोना। मोना, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहता हूँ, काम ही ऐसा है, वरना मैं तुम्हें छोड़ के इस हालत में कभी ऑफिस ना जाऊं। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें मेरे साथ की कितनी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस आने दो। ऑफिस के कामों में दिलचस्पी लूंगी तो मैं इस हादसे को भूल पाऊंगी और फिर तुम्हारा मेरे साथ रहना मुझे और हिम्मत दिलाएगा। मोना, अगर ये बात है तो चलो मेरे साथ आओ। मैंने सुमन को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। वो मुझे हमेशा करण का हत्यारा कहती रही। मेरे दिल में न जाने कितने नश्तर छुप जाते हैं, लहूलुहान हो जाता हूं मैं, लेकिन वो बात नहीं आती। फिर भी आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे मेरे खिलाफ भड़काया गया है। सुनो। नहीं भैया, वो अपनी करनी आपके सर थोप रही है। क्या मतलब? आपको शायद नहीं पता लेकिन लंकेश अभी से मिलने आता है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मुझे घर के नौकरों से पता चला और शायद करण भैया को भी ये बात पता चल गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद आपको सौंप दी और भाभी को सिर्फ 10% का पार्टनर रखा। उसे करण को मरवाने में सुमन का हाथ? मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनका हाथ है, लेकिन लंकेश को उनसे शय जरूर मिली है और इस बात के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। थोड़ी कंफ्यूज्ड, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। इतना कंफ्यूज मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। रियली कंफ्यूज्ड। भैया, आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है। भाभी आपको यहां से भगाना चाहती हैं और इसके लिए वो आपकी बीवी का इस्तेमाल कर रही हैं। सुमन, सुमन मेरी बीवी का क्या इस्तेमाल करेगी? मेरी बीवी उसका इस्तेमाल कर रही है। सोचता हूं तो चकरा जाता हूं, न जाने इसका अंजाम क्या होगा। जो भी होगा भैया अच्छा ही होगा, क्योंकि अब आपकी इस जंग में आपकी ये बहन भी शामिल है। आप चाहे कितनी ही नीलम क्यों ना आ जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये एक बहन का अपने भाई से वादा है। और रही बात इस नीलम की, तो इसको तो मैं मजा चखा के रहूंगी। चलो।
आदित्य बड़ी माँ कैसे हो बेटे? खुद ही देख लीजिए। handsome as ever. Excuse me. चलिए क्या I'm sorry. आप आदित्य से नहीं मिल सकती हैं। क्यों? इसकी मामी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्कूल में उनके सिवा किसी और से ना मिले। आदित्य, you may go. I'm sorry, ma'am. No, it's all right. Aditya, I asked you to go. Yes, ma'am. हर बात मांग सकता हूँ पर ये बात नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सा खुरमच आ गई। कैसे? I just jumped over the wall to meet you. God, कितना ज्यादा लगा लिया, कितना खून निकल आया। इतना से निकला और आप इतना घबरा रही हैं? नहीं बेटे, ये करण कपूर का खून है, इसे यूं नहीं बहने देना। बड़ी माँ ठीक है, इजी मैं बड़ा और डोंट एम्बैरस दोस्त दिखेंगे। इजी बड़ी माँ इजी ओके, मैं बड़ा हो रहा हूँ। आई